फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द अमेजिंग जो मूवी आपको मिली है. जितना भी आपका मैंने ग्राफ देखा है काफ़ी जी हटकर है, और जी यू आर प्लेइंग अ रोल ऑफ मतलब जो हमारे जो लीडर्स होते हैं उनका किरदार निभाना इज सच अ डिफिकल्ट टास्क फॉर एवरी इंडिविजुअल एक्टर, राइट इफ आई कॉल एनी बडी. आपका एक्सपीरियंस पर्सनली कैसा रहा और आपके किरदार, और फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी है कि बॉक्स ऑफिस पे अच्छा मतलब परफॉर्मेंस दे रही है ये मूवी, तो कैसा लग रहा है, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है सबकी तरफ से? होपफुली बस लोग इसको और देखें, बिकॉज़ हमने बहुत ही प्यार से बनाई है और स्पेशली रणदीप ने इसमें सब कुछ डाल दिया है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, स्पेशली टू वर्क विद रणदीप. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉज़ वेरी फॉर्चुनेट दैट आई गॉट टू वर्क विद हिम, और उससे भी ज़्यादा फॉर्चुनेट कि ही थॉट कि मैं मदनलाल ढींगरा का पार्ट निभा पाऊँगा. सो आई एम वेरी हैप्पी. और आप जैसे लीडर्स की बात कर रहे थे, वैसे क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरीज भी जो हमारे थे उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है व्हेन यू आर प्लेइंग समबडी हु इज़ दैट इम्पॉर्टेंट, जिनके बारे में ज़्यादा बात नहीं गई करी गई है और आप उसको किसी भी तरीके से दर्शाना चाह रहे हैं इन पॉपुलर मीडिया. सो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है. बट आई एम हैप्पी कि जो बनाने वाले निर्देशक थे उन लोगों ने अपनी रिसर्च स्टडी और सब कुछ अच्छे से करके इस फिल्म में वो उतरे और यू नो फिल्म अच्छी बनी है और मुझे बहुत मज़ा आया काम करके. स्पेशली टू प्ले मदन लाल ढींगरा आई थिंक आई एम वेरी फॉर्चुनेट. मुझे हमेशा से किसी रेवोल्यूशनरी किसी क्रांतिकारी का रोल करना था एंड जब मुझे पता लगा मदन लाल ढींगरा के बारे में, जब मैंने पढ़ना शुरू किया उनके बारे में, देन आई वॉज जस्ट वेरी थैंकफुल यार कि मुझे ये रोल मिला. हाउ डिड यू गेट दिस अप्रोच अबाउट दिस, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए, इतने एक्टर्स, इतने स्कोप आ गए, जी पर्टिकुलर किसी को सिलेक्ट करना फॉर, जैसे आप लीडर्स की जब हम बात करते हैं उनके लाइफ जर्नी को हम अपने एक्टिंग के थ्रू लाते हैं, राइट तो हाउ डिड यू गेट दिस अप्रोच, कैसे आपको कॉल आया कि किस तरीके से राइट इसकी प्लानिंग तो हुई? कास्टिंग डायरेक्टर हैं पराग मेहता, उनके ऑफिस से मुझे कॉल आया. उनके साथ मैंने पहले भी काम किया है. उस कॉल की स्पेशलिटी ये थी कि उस कॉल पे उन्होंने मुझे ये बोला कि रणदीप हुड्डा आपसे मिलना चाहेंगे, वो एक फिल्म कर रहे हैं. सो रणदीप हैज़ बिन वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स. तो पहले तो मैं तभी खुश हो गया कि रणदीप बुला रहे हैं तो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होगा और आई वॉज़ क्यूरियस कि वॉट ही रियली हैज़ टू ऑफर मी. तो मैं मिला उनसे तो मेरी वो खुशी तो अलग थी ही, एक्साइटमेंट अलग थी ही, पर जब उन्होंने मुझे मदनलाल ढींगरा के बारे में बताया और जिस पैशन के साथ उन्होंने इस कैरेक्टर के बारे में मुझे बताया एंड ही ऑल्सो टोल्ड मी दैट दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर्स, मेरा बस चले तो मैं मदनलाल ढींगरा पे फिल्म बनाऊँ. अनफॉर्चुनेटली इस मीटिंग से पहले मुझे पता नहीं था मदनलाल ढींगरा कौन है, बट जब मैंने जाके पढ़ा और रिसर्च किया आई कुडंट बिलीव द फैक्ट दैट आई डिडंट नो अबाउट मदनलाल ढींगरा. मदनलाल ढींगरा फॉर मी वॉज एज इम्पॉर्टेंट इफ नॉट मोर देन एनी ऑफ द अदर रेवोल्यूशनरीज यू हर्ड अबाउट. वो पहले मार्टर थे, वो पहले शहीद थे जिन्हें ब्रिटेन में फांसी हुई. उनके नक्शे कदम पे फिर बहुत सारी जनरेशन और बहुत सारे लोग उनसे प्रभावित हुए, इंस्पायर हुए यू नो टू डू द सेम, बिकॉज उससे पहले अंग्रेज़ों से लड़ना उनको मारना ये सारी बात यूज़ टू सीम इम्पॉसिबल कि ऐसा किया भी जा सकता है, बट उन्होंने एक ट्रेंड सेट किया. एटलीस्ट उन्होंने एक दी ही यू नो पेव्ड अ वे फॉर पीपल टू फॉलो एंड पीपल लाइक भगत सिंह वर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय somebody like मदनलाल ढींगरा. सो आई वॉज वेरी वेरी आई फेल्ट ग्रैटिट्यूड कि मुझे ये रोल आया है और मुझे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आई और रणदीप के साथ फिर क्लोजली काम करने में, वो कैरेक्टर को तराशने में और हर एक सीन को अच्छे से करने में बहुत मज़ा आया और काफ़ी इंटेंस माहौल रहता था क्योंकि सारे सीन बहुत इंटेंस हैं, वो सिचुएशंस बहुत इंटेंस हैं. मदनलाल ढींगरा ने करजन वायली को मारा था, उसके बाद उन्होंने एक स्पीच दी थी जो बहुत ही फेमस स्पीच हुई थी, मदनलाल ढींगरा और सावरकर की इक्वेशन कैसे इतनी पक्की हो गई थी. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स वो ऑल्सो कवर्ड इन द फिल्म. फिल्म सावरकर के बारे में है बट मदनलाल ढींगरा भी उनकी ज़िंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा. जब ये इंडिया से लंदन गए थे, लंदन हाउस में रहे थे, तो उस दुनिया को जीने में बहुत मज़ा आया. मतलब आई एम वेरी थैंकफुल आई गॉट दिस रोल. बात करो मूवीज की तो इतने सारे मूवीज आते हैं, जी ये सब मूवीज इतने सेंसिटिव होते हैं, इतने सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं, लोगों को पता नहीं होता है. और आपका जो भी रोल हमने पहले देखा है, टेलीविजन में भी आपने काम किया, इतने सारे OTT प्लेटफॉर्म्स में भी आपने काम किया है, तो ये रोल की ऑथेंसिटी क्या है? क्योंकि इट्स नॉट ईजी टू प्ले अ रोल, क्योंकि
फर्स्ट टाइम होता है, सब एक्टर्स ने काफ़ी, उनके इतने सारे डिफरेंट शेड्स भी होते हैं, बट लीडर का किरदार निभाना इट्स अ वेरी ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शोकेस योर, मतलब करेक्ट. तो क्या आपको मतलब लीडर से मतलब आप क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरी के बारे में कहना चाह रहे हैं? ऑथेंसिटी, आपने जो किरदार निभाया उस चीज़ की निभाते निभाते जो आपने जर्नी अपना रणदीप सर के साथ हो गए, अंकिता मैम हो गई, उनके साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, ऑथेंसिटी का क्या रहा? सी यूजुअली क्या होता है कि हम लोग जो कहानियाँ हमें करने को मिलती हैं वो फिक्शन स्टोरीज होती हैं, चाहे वो लाइट हार्टेड हो, इंटेंस हो, वो अगेन यू हैव टू बी ट्रू टू द कैरेक्टर, व्हिच एवर कैरेक्टर यू आर डूइंग. बट ऐसे लोग जो हिस्ट्री में रह चुके हैं, जिनका एक योगदान रहा है, हु प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, जब हम उनके बारे में बात करते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि यू हैव टू मेक श्योर दैट वट एवर यू आर डूइंग इज़ वेल रिसर्च्ड. हर सीन को आप अच्छे से निभाएं जैसा वो हिस्ट्री में हुआ है, उसी को ठीक से दर्शाएं, उस किरदार को समझें. तो जैसे मैंने कहा, हर किरदार को समझने में उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट ऐसा कोई इंसान जो हिस्ट्री में रहा है, जिसने एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया है, उनको करने में स्टेक्स बढ़ जाते हैं थोड़े से. सो यू हैव टू बी वेरी श्योर ऑफ एवरी स्टेप यू टेक, एवरी चॉइस यू मेक एज एन एक्टर. हर सीन में आप क्या कर रहे हैं वो आप अपने आप से नहीं बना सकते. आपको जो हिस्ट्री में फैक्चुअली जो हुआ है, यू हैव टू स्टिक बाय दैट, एंड यू नो उसको बहुत ही ढंग से उसको दर्शाना पड़ता है. और रणदीप, अगेन आई सेड इट वाज अमेजिंग वर्किंग विद हिम आल्सो, बिकॉज उन्होंने अपनी स्टडी, मैं तो एक महीने पहले आया फिल्म पे साइन करने के बाद, एक महीने में मेरी शूटिंग थी, बट वो 2-3 साल से इस फिल्म के साथ जी रहे थे. हर एपिसोड, हर कैरेक्टर को वो पढ़ चुके थे, रिसर्च कर चुके थे. सो आई वॉज इन वेरी सेफ हैंड्स. तो मेरे लिए अच्छा था कि रणदीप जैसा आदमी जो ऑलरेडी हर पार्ट के लिए इतना सैक्रिफाइस करते हैं और इतना घुस के काम करते हैं, ही न्यू एवरीथिंग अबाउट इट. सो जो मैं भी रिसर्च करके आता था, मैं उनसे शेयर करता था, मुझे 2 बातें और बताते थे. सो साथ में तराशने में बहुत मज़ा आया. और ही इज़ वेरी टफ ऑन हिमसेल्फ, और उन्होंने मुझे यही बोला था कि आई विल बी वेरी टफ ऑन यू ऑल्सो बिकॉज आई एम वेरी टफ ऑन माई सेल्फ. बट अदरवाइज उनका बहुत फ्रेंडली नेचर है. वो सेट के बाद, शूट के बाद आके आराम से बिल्कुल चिल इन्वायरमेंट में हाथ रख के हंसी मजाक करते थे, क्योंकि सेट पे बहुत इंटेंस रहता था, सीरियस सिचुएशन रहती थी. कोई हंसी मजाक की इतनी, मुझे लोग पूछते हैं कुछ हंसी मजाक की बातें बताइए, तो सेट पे इतना हंसमुख माहौल नहीं था, क्योंकि काफ़ी अलग माहौल होता था उस समय, जब यू नो ये लोग 1907, 1905, 1909 की जहाँ हम बात कर रहे हैं, उस समय पे इन लोगों को बहुत चिंता थी देश की, देश के हालात की. हाँ. तो एक टेंस माहौल रहता था. सो आई थिंक अगेन आई फील वेरी फॉर्चुनेट एंड आई हैव ग्रेटिट्यूड दैट रणदीप फेल्ट दैट आई कैन डू दिस पार्ट. और उन्होंने मुझे इसलिए चूज किया. इसलिए मैं पूछ रही हूँ क्योंकि आजकल जिस तरीके की सीरीज आ रही है, मूवी आ रही है, जैसे जेंजीज उनके जो कंटेंट होते हैं देखने के, मतलब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हो गए, मूवी हो गए, उनको एंटरटेनमेंट चाहिए. बट नॉलेज बेस्ड जो हमारे इंडिया में जो मूवी बनती है, उसका कितना इम्पोर्टेंस है? जैसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और उससे भी ज़्यादा आप कैसे उन्हें दर्शाएं. आई थिंक जेंजी और any sort of audience is open to something which is good. Aajkal they are exposed to all sorts of genres, all sorts of stories, even experimental genres are so well received. So the point being, ye sirf ek preachy patriotic film nahi hai, ye bahut entertaining film hai. Maine aise aise logo ko abhi film dekhte hue dekha jo aapke aur meri tarah hai, jo achhi film nahi hogi to nahi dekhenge. Aur unhe bahut maza aaya hai. History aur fact to chalo wo aapko mil jata hai, but you really enjoy the pace, the characters, the language of the film, the music of the film, the acting of the film. So people are enjoying the film wholesomely. Matlab puri picture dekhne maza aa raha hai, entertain ho rahe hain. So haan, kahin na kahin surface pe unhe lag sakta hai ki yaar ye to phir wahi deshbhakti ki baatein karne wali film hai, shayad isme itna maza nahi aaye. बट इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग थिएटर तक पहुँचे, बिकॉज जो भी देख रहा है उसको ये समझ आ रहा है कि ये फिल्म तो यार बहुत कूल है. अगर आज हम पीकी ब्लाइंडर्स देखते हैं बाहर का शो, ये मतलब यहाँ का पीकी ब्लाइंडर्स है. वही मैं कह रही हूँ, जैसे जो प्रोसेस है देशभक्ति की भी अगर हम बात करें, प्रोसेस है जो उन्होंने अपने लाइफ में जो फेस किया, स्ट्रगल किया, तभी आज हम इतने फ्रीडम से घूम पाते हैं. तो व्हाट डू यू थिंक कि मतलब जो आज का यूथ है उन्हें इस तरीके का, जैसे वीर सावरकर सर हैं, उनके बारे में हमने बस नाम सुना है, इतनी सारी चीज़ें मूवी के थ्रू आज जब हम देख रहे हैं तो पता चल रहा है अच्छा ऐसा भी हुआ था. तो
तो व्हाट डू यू थिंक व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्यों लोगों को जानना कि ऐसा हमारे देश में काफ़ी ऐसे ग्रेट लीडर्स है अपने देश के लिए फाइट कर रहे हैं और एक्टर्स को जज करते हैं कि आपने इस किरदार को कैसे मतलब निभाया, आपने तो पहले ये किरदार क्यों निभाया, पहले आपने ये किया था, आजकल का जो यूथ है काफ़ी अलग है. हाउ यू लुक सी एक्चुअली द थिंग इज अ फिल्म लाइक दिस इज टू पॉलिटिसाइज्ड. लोग एक साइड लेते हैं नहीं तो दूसरी साइड लेते हैं, विच इज़ फाइन. आपकी अपनी आइडियोलॉजी है, आपकी अपनी समझ है, आपको अगर लगता है कि ये साइड ऑफ पॉलिटिक्स या ये साइड ऑफ पॉलिटिक्स आपको ज़्यादा फेवर करती है तो आप यू फ्री टू चूज वट एवर यू वॉन्ट. बट द पॉइंट इज यही मुझे थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट यही लगता है कि ऐसी स्टोरीज इसलिए देखना ज़रूरी है क्योंकि हमें थोड़ी देर के लिए पॉलिटिक्स साइड रखनी पड़ेगी और ये समझना पड़ेगा कि लोगों का कितना योगदान है. वो एक्चुअली में बात सही है कि 5-6 लोग मिलकर आपको इंडिपेंडेंस नहीं दिला सकते थे. अभी भी बहुत सारे लोग, अगर आप काला पानी जाएंगे तो आप काला पानी में, मुझे आज ही कोई और जर्नलिस्ट बता रहे थे कि वो काला पानी जब गए और उन्होंने जब वहाँ नाम देखे लिखे हुए उनके रोकने खड़े हो गए, वो रह नहीं पाए. इतनी ईरी फीलिंग आती है अगर आप काला पानी जाएँ तो. ये सच में हुआ है, ये लोग हैं जिन्होंने सेक्रीफाइसेस दिए हैं, जिनके बलिदान हुए हैं. सो हमको एटलीस्ट अगर हम उन्हें रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, उन्हें एक्नॉलेज तो करना चाहिए. आप ये नहीं बोल सकते कि अरे ये तो पॉलिटिकल पार्टी की फिल्म है और ऐसा है. सो आई थिंक ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है बिकॉज मैंने देखा है रणदीप को फिल्म बनाते हैं, उन्होंने कितनी जी जान से बनाया, उन्होंने खुद पैसे तक लगाए, सब कुछ, मतलब खाना नहीं खाते थे वो सेट पे. ही हैड लॉस्ट सो मच वेट, सो आई नो द पैशन विद विच ही इज मेड. इफ यू नो इट्स अबाउट एन आइडियोलॉजी, यू माइट नॉट बिलीव इन दैट आइडियोलॉजी बट दैट पर्सन वॉज ऑल्सो वर्किंग फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री. मतलब अगर मैं और आप अलग तरीके से सोचते हैं बट हमारा उद्देश्य तो एक ही है, हमको वो इंडिपेंडेंस दिलाना है. तो at the end of the day the motive was the country, the country to be set free. ye wo log the jinhe bahut takleef thi ki hamara desh british rule mein hai, itni atrocities ho rahi hai, itne zulm ho rahe hai hamare desh ke upar. so these were people who were deeply moved by it. aur main yahi chahta hu ki youth at least samjhe ki aaj jaise aap bol rahe the ki independence aur itna free duniya mein hum ghoomte hain, at least hame pata to lage hum कहाँ थे. मदनलाल ढींगरा डाइड व्हेन ही वाज 25, उन्हें फांसी हो गई थी. तो आप सोच भी नहीं सकते कि ये 22 23 24 साल के लोगों में कितना दुख था इनके अंदर कि देश की क्या हालत कर रहे हैं और हम इन्हें मारेंगे और मार के मर जाएंगे. जस्ट टू थिंक दैट इज सो अनबिलीवेबल कि इतने यंग उम्र में आप इतनी ब्रेवरी, यू हैव द ऑडेसिटी टू थिंक लाइक दैट, यू नो. सो आई जस्ट फील दैट पीपल शुड वॉच इट टू एटलीस्ट अंडरस्टैंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड अंडरस्टैंड हाउ मच सेक्रीफाइस दैट हैज बीन गिविंग. जस्ट कीप पॉलिटिक्स असाइड फॉर वंस एंड यू नो जस्ट लर्न फ्रॉम इट. मतलब अगर आज के देश में हमें हाँ इतना संघर्ष, इतना स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है, हम आज़ाद देश में घूमते हैं, बट एटलीस्ट अगर हम समझें कि कैसे हमें अपनी आज़ादी मिली है तो हम रिस्पॉन्सिबली अपना काम करेंगे. मैं रिस्पॉन्सिबली अच्छे रोल्स करूँगा, आप रिस्पॉन्सिबली अच्छे सवाल पूछेंगे, कोई भी किसी भी तरीके से रिस्पॉन्सिबली हम ऐसा काम कर पाए जो कहीं ना कहीं यू नो कम्यूनिटी, देश को एकजुट करके साथ चलने में मदद करे और आगे बढ़ने में मदद करे इन वॉट एवर फील्ड यू आर इन. सो कहीं ना कहीं आप इसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं. एंड आई फील यू मस्ट नो द सैक्रिफाइसेस दोज आर मेड फॉर यू नो दिस फ्री कंट्री वी लिव इन. इम्पॉर्टेंट, फैमिली का कैसा रिएक्शन रहा, मॉम डैड का? जब मेरी फैमिली तो बहुत खुश है, मेरी फैमिली को तो आधे काम वो कभी देखते हैं कभी नहीं देखते हैं, उन्हें बोलना पड़ता है देख लिया, वो बोलते हैं हाँ हाँ हाँ, वो दो एपिसोड के बाद देखा नहीं, अभी देखेंगे. कुछ चीज़ें बहुत पसंद आती है बट दे आर वेरी एक्साइटेड फॉर दिस ऑल्सो बिकॉज यू नो पेरेंट्स की उम्र के लोग, ग्रैंड पेरेंट्स की उम्र के लोग, उन्होंने फिर भी देखा है कि कितना क्या हुआ था, किन किन लोगों ने क्या क्या सेक्रीफाइस दिए हैं, उन लोगों को पता है. मतलब मदनलाल ढींगरा के बारे में उन्हें पता था, मुझे नहीं पता था. आई कॉल्ड माय डैड आल्सो, उन्होंने मुझे इतना कुछ बताया. सो उन लोगों के लिए वो वैल्यू करता है. दे डोंट हैव टू स्टडी आल्सो अबाउट देम, उनको इतना पता होता है कि उन्हें पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होती. अगर हमारे पास कोई स्क्रिप्ट आती है तो हम उनके बारे में गूगल करते हैं, हिस्ट्री देखते हैं क्या है. बट हमारे मॉम डैड जो है उन्हें सब चीज़ ऐसे पता होता है कि जैसे वो स्क्रिप्ट फेल हो जाता है जब. यस, क्योंकि सी उस समय मतलब वो काफ़ी समय से जी रहे हैं तो उन्हें पता है उस समय क्या हो रहा है. आज की दुनिया में हमारे ये क्रांतिकारियों के बारे में बात ही नहीं होता, मतलब इसको अनकूल कह सकते हैं. अरे तो इतनी कूल, मतलब देशभक्ति की बातें कर रहे हो. मतलब इट्स अनफॉर्चुनेट. लाइक आई एम ऑल्सो, आई वुड लाइक टू बिलीव आई एम ऑल्सो अ टुडेज पर्सन, लाइक आई एम ऑफ द टुडेज जनरेशन, बट आई वुड लाइक टू. यू हैव ऑल्सो डन मेनी सीरीज अबाउट दिस, इश्क नेक्स्ट डोर में देखा, मतलब लव स्टोरी करी है, होमोसेक्सुअल लव स्टोरी करी है, फन सीरियस हर तरीके की है. बट पॉइंट बीइंग कि आप इसे किसी कैटेगरी में नहीं डाल सकते, और स्पेशली
व्हेन यू टॉकिंग अबाउट पीपल जिनके कोई मायने हैं हु वर इम्पॉर्टेंट इन हिस्ट्री. सो मेरे घर वाले तो बहुत खुश हैं, मेरे घर वाले आर वेरी वेरी हैप्पी एंड प्राउड बिकॉज दे नो. यू नो मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ. हम दिल्ली में रहते हैं. माई पेरेंट्स, माई दादाजी केम फ्रॉम पंजाब व्हेन ही वॉज यंग और फिर यहाँ काम करने लग गए थे. वो बताते हैं इंडिया में दिल्ली में कॉफ़ी शॉप है, कॉफ़ी हाउस सीपी में. तो वहाँ वो बताते थे कि सावरकर जी आते थे और उन्होंने उन्हें देखा है. और वो बताते थे कि उनके आसपास लोग उन्हें ऐसे घेर लेते थे कि वो दूर से लगता था ये आदमी कोई आया है, उनका कोई ऑरा है. सो उनका ऑरा बहुत स्ट्रांग था, लोग उनके बहुत फॉलोअर्स थे. वो एक सोच के थे बट वो बहुत ही शार्प, समझदार, ब्रेव, यू नो बहुत ही कमाल पर्सनैलिटी थी. अब आप उनकी आइडियोलॉजी से हो सकता है सहमत ना हो, बट दैट डजंट मीन कि उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है. उनका कंट्रीब्यूशन बहुत रहा है और दीज पीपल स्पेशली द पेरेंट्स एंड द ओल्डर जनरेशन सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड्स दैट एंड दे वैल्यू इट. सो दे आर वेरी हैप्पी. ओके, बात करूँ पीछे आपकी जो अर्ली डेज में जिस तरीके से आपकी शुरुआत हुई है, फिर लॉकडाउन आ गया, OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए, इतने सारे स्कोप, तो OTT प्लेटफॉर्म्स को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि एक्टर्स का थिंकिंग OTT प्लेटफॉर्म्स में आने के बाद काफ़ी चेंज हो गया है. सबको एक लीड रोल चाहिए होता है कि मैं लीड रोल करूँ या, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि लीड होना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके जो पार्ट्स मतलब करेक्ट जो सपोर्टिंग रोल है उनके बिना आप मूवी कैसे बना सकते हैं? करेक्ट. सी OTT इज ब्रेड एंड बटर फॉर एवरीबडी. OTT इतना काम लेके आया कि हम सब अलग अलग तरीके का काम कर पाए. मैं ही नहीं, बहुत सारे एक्टर्स जो कमाल एक्टर्स हैं जो बैठे ही थे वो काम कर रहे हैं. टेक्नीशियंस, डायरेक्टर्स, एवरीबडी इज वर्किंग. न्यू स्टोरीज, न्यू जॉनर्स यू गेट टू एक्सपेरिमेंट विद. पर सॉरी, क्या था आपका सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट? ये मतलब OTT प्लेटफॉर्म्स में मतलब जो थिंकिंग चेंज हो गया. करेक्ट, मेन लीड वाली. सी ऑफ कोर्स फॉर एन एक्टर लाइक मी आल्सो, मैंने भी छोटे पार्ट्स पहले किए हैं और मैं एक जर्नी रही है. उसके बाद आई मीन इफ यू हैव बिलीफ इन योरसेल्फ देन यू वांट टू डू अ लीड पार्ट, यू वांट टू हेडलाइन अ शो. क्योंकि जब आप हेडलाइन करते हैं तो आप पे जिम्मेवारी बहुत आती है और आपको पूरा कैरेक्टर जीने का मौका मिलता है. तो हाँ, मतलब मेरी भी कहीं ना कहीं ये सोच रही है कि वेब शोज में मैं लीड पार्ट्स ही करता हूँ. बट हाँ, जब आपका एक्टर रणदीप हुडा हो और आपको एक अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करने का मौका मिले तब आप वो छोड़ते नहीं. रणदीप सर के बारे में तो बिना पूछे ही आपने इतनी चीज़ें बता दी. अगर उनको एक वर्ड में आप मतलब प्रेजेंट करेंगे तो क्या वो वर्ड होगा? ब्यूटिफुल मैडनेस. वो बहुत अच्छे इंसान है. लोगों को लगता है कि बहुत यार ये तो स्ट्रिक्ट होंगे, जो कि वो है, और बहुत खड़ूस होंगे. वैसा नहीं है, वो इतने पैशनेट हैं कि इफ़ एनीबडी, इफ़ एन आर्टिस्ट वांट्स टू रियली डू समथिंग एंड पुश बाउंड्रीज देन ही इज़ वन पर्सन यू नीड टू लर्न फ्रॉम. ही इज़ लिटरली रिटन, डायरेक्टेड, प्रोड्यूस्ड. मैंने देखा है कितनी जान उनकी लगती थी. वो दिन में सिर्फ एक अंडा और एक चीला खाते थे, सुबह और पूरा दिन कुछ नहीं खाते थे. और उसके बाद इतनी बड़ी फिल्म, इतने बड़े बड़े सीन, इतनी बड़ी बड़ी एक्स्ट्राज, बड़ी बड़ी लोकेशन, ऑल ऑफ दैट ही वॉज डूइंग इट हिमसेल्फ. And he's obsessive with his work. तो उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया और वो बड़े भाई की तरह अभी ट्रीट करते हैं फिल्म के बाद भी. और ही इज़ वेरी सपोर्टिव और उन्होंने आगे किया है मुझे बहुत जगहों पे. इवन मेरे रोल को भी अगर आपने देखा हो, मेरा एक शॉट नहीं कटा है फिल्म में से. इनफैक्ट उन्होंने बहुत हीरोइक बनाया है मदनलाल ढींगरा को. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड फॉर्चुनेट. ही इज़ एन अमेजिंग एक्टर दैट वी ऑल नो एंड आई थिंक ही इज़ एन अमेजिंग ह्यूमन बींग ऑल्सो. एंड ऑल्सो आप यू आर मोर इन टू फिटनेस, तो इस किरदार में कुछ फिटनेस का अप एंड डाउन हुआ था या वेट गेन या वेट लॉस? थोड़ा सा वेट हमको कम करना पड़ा क्योंकि मैं एक्चुअली 15-20 दिन पहले ही शूट के मुझे फाइनल गो अहेड मिला और तब से थोड़ा हमने खाना कम किया था. वो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द जॉब. इन लोगों के फेस स्ट्रक्चर्स ऐसे थे, थोड़े से ड्राई मतलब अगर आप देखें, चाहे वो सावरकर जी हो, चाहे वो ढींगरा हो, सारे रेवोल्यूशनरीज जो पुराने थे उनके फेस कट ऐसे होते थे. जिसको अचीव हम करना चाहते थे, मतलब ऑफ कोर्स एक फिजिकैलिटी रिजेम्बलेंस कहीं ना कहीं उन्हें भी लगी होगी. इन्होंने इसीलिए उन्होंने एक्टर के साथ साथ एक रिजेम्बलेंस भी आपको चाहिए होती है. बट हाँ, थोड़ा सा हम लोगों ने अपने आप को शेप में लाने की कोशिश की. और क्योंकि हम डाइट और खाने से एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं तो वो इतना मुश्किल पार्ट नहीं था. मतलब मैंने तो कुछ महीने भर के लिए वो डाइट उतनी ऑल्टर की. रणदीप तो 3 साल तक वैसा, 2 साल तक वैसा ही खा रहे थे. बट आई थिंक वो था, बट माइन्यूट था. थोड़ा सा शेप में आने के लिए हमने थोड़ा सा कैलरी इनटेक कम किया.
एनी एडवाइस टू दोस्त जो न्यू कमर्स है जी, जिनका थॉट प्रोसेस चेंज हो, सक्सेस हाँ. है, नेगेटिव चीज़ इतनी है, करेक्ट, पॉजिटिव भी है, बट उसको हैंडल कैसा किया जाए? सी आई थिंक यही पिक्चर से ही थोड़ी सी इंस्पिरेशन अगर ले लें कि हालात तो मुश्किल होंगे, मतलब नोबडी ओज यू एनीथिंग, मतलब कोई बाहर वाला को आपका कोई कर्ज नहीं देना है कि वो आपको बाहर जाके काम देगा या आपको रिस्पेक्ट देगा, यू हैव टू अर्न इट योर सेल्फ, एंड इफ़ यू रियली वॉन्ट टू डू समथिंग, आप सारा शोर शराबा को कट आउट कीजिए एंड वर्क ऑन योर सेल्फ एंड फोकस ऑन वॉट यू रियली वॉन्ट टू डू, एंड दैट शुड बी योर गोल. जैसे वो बोलते हैं ना, अर्जुन को सिर्फ आँख नजर आती है, वो एक्चुअली किसी रीजन के लिए बोला जाता है, बिकॉज इफ़ यू फोकस्ड इन वॉट यू वॉन्ट टू डू, यू विल इनवेरेबली गेट देयर ऑल्सो, एंड देर इज ऑलवेज सो मच वर्क यू कैन पुट इन योर सेल्फ. मतलब कभी ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मैं अब तैयार हूँ, आप और काम कर सकते हैं. मैं सच बता रहा हूँ, इवन रणदीप के कैलिबर का एक्टर काम करता था, जब शूट नहीं होती थी वो सावरकर की तरह पोएम्स लिखते थे. सो देर इज सो मच वर्क यू कैन डू, एंड one thing I would like to add to that is if you really believe you want to do something then you should do it with all the passion. अगर आप में वो passion है तो आप 10 में से 6 हो सकते हैं आज, बट वो passion आपको 10 में से 8 तक ले जाएगा. So you have to have that hunger and you have to put in that word and that work. और फिर sky is the limit. Yes. After this किस किरदार में नजर आएंगे? कुछ projects है, बातचीत चल रही है? जी जी जी, एक वेब सीरीज ऑलरेडी शूट हुई हुई है, वो आई थिंक आनी चाहिए मई के आसपास, और बाकी एक और प्रोजेक्ट में अभी शूटिंग करना शुरू करूंगा. अब दोनों के बारे में डिटेल्स मैं आपको नहीं बता सकता, बट हाँ, आने वाले वेब शोज आने वाले. मैसेज टू फैंस एंड ऑडियंस अबाउट दिस मूवी और योर, मतलब फैंस भी ईगरली वेट करते हैं जब एक्टर्स का कुछ नया आता है. जी, आई वुड रिक्वेस्ट पीपल एंड स्पेशली द यंगर लॉट टू गो आउट एंड वॉच दिस फिल्म and see it for yourself, see what you feel. It's a film made by a great team, may that be the cinematographer, director, costume, makeup, everything, and I feel you will enjoy, and you must know about the facts what have happened. You can go back and research and see, and you will realize that factually it's pretty on point, aur aapko isse inspiration milegi, and also if you follow my work you will see me in a different light, and yeah, there's something cool I'm doing. So, yeah, for the respect of Madanlal Dhingra, please go watch it. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much.